हरियाणा में ई टेंडरिंग और राइट टू रिकॉल को लेकर लगातार सरपंच, पंच और जिला पार्षद लगातार सरकार के खिलाफ हल्ला बोल रहे हैं और ये तस्वीरें गवाह हैं विरोध प्रदर्शन की और नाराजगी की। जो तस्वीरें आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं वो आपको चौंका भी सकती है और दहला भी सकती है, क्योंकि सरपंचों और जनप्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को अपने खून से पत्र लिखा है और पत्र में ई टेंडरिंग और राइट टू रिकॉल व्यवस्था को वापस लेने की मांग की है। जनप्रतिनिधियों ने स्पष्ट कर दिया कि अगर सरकार ने उनकी मांगे नहीं मानी तो वो सरकार के खिलाफ और भी कड़े कदम उठाने से पीछे नहीं हटेंगे और आगामी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और उसकी सहयोगी पार्टी का जमकर विरोध किया जाएगा। कई दिन से लगातार धरने पर बैठे हुए हैं और लगातार दोनों काले कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर और साथ के साथ जो पंचायती एक्ट में जो सरपंचों को और पंचायती जितने भी सदस्य चुन के आए हैं सबको जो ताकत देनी चाहिए वो ताकत यहाँ पे नहीं मिली है, उन सभी मांगों को लेकर आज यहाँ पर जो पंचायत एकता समिति के प्रधान राकेश भाई प्रतिनिधि है उन्होंने और मैंने खुद अपना खून निकलवा गए और ये ज्ञापन मुख्यमंत्री नाम लिखा है और पंचायत अफसर के माध्यम से उनके नाम भेज रहे हैं। हमारी एक ही मांग है, जब तक ये दोनों काले कानून रद्द नहीं हो जाते तब तक हमारा आंदोलन चलता रहेगा। अगर सरकार नहीं जाएगी, आज तो हमने खून से लेटर लिखा है, उसके बाद हमारा एक निर्णय है, सारे सरपंच इकट्ठे होकर अपना खून निकलवाएंगे और मुख्यमंत्री के पास भेजेंगे। अब मुख्यमंत्री, हम अपना गांव के विकास के लिए, हम अपना खून देने के लिए भी तैयार है, पीछे नहीं हटेंगे। ये गांव के विकास की लड़ाई है और गांव के विकास के लिए गांव की जनता ने जिस तरह हमें चुनकर भेजा है, हमारा नैतिक फर्ज बनता है हम अपने गांव की पहरेदारी करें और गांव के विकास की लड़ाई लड़े। और जब तक ये लड़ाई जारी रहेगी जब तक सरकार नहीं झुक जाती और हमें हमारी एकता पर हमने भरोसा, गांव के अभी तो ग्रामीण इकट्ठे होने लग रहे हैं, रोज उनके संदेश आने लग रहे हैं, भाई हमें भी आंदोलन में शामिल करो, सोनीपत के अंदर अभी प्रदर्शन करने की तैयारी हमारी और ऐसा प्रदर्शन होगा अब सरकार पूरा सोनीपत जाम हो जाएगा। हम सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं, अब गांव के विकास के साथ लड़ाई न लड़े, अगर गांव के विकास के साथ इन्होंने लड़ना महंगा पड़ जाएगा और आने वाले लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में जमानत भी नहीं बचा पाएंगे। मुख्यमंत्री के नाम जो आज पत्र लिखे आयो खून से राकेश भाई जी संजय जो सारे सरपंच यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं, ये इतने दोनों काले कानून जो रद्द नहीं किए जाएंगे, इतने यह आंदोलन इसी तरह जारी रहेगा। और मुख्यमंत्री से हम बताना चाह रहे हैं, कल न मान ले जब इलेक्शन आएगा विधानसभा का, उसमें सारे सरपंच जो भी इकट्ठे हो रहे हैं उस ताकत का पता लग जाएगा कि ये सरपंचा ने मंत्री साहब कदे चोर बताओ कदे कुछ बताओ है, इसको पलटने का काम करेंगे। सरपंच सरपंच के साथ ये नहीं कि यार सरपंच सरपंच है, सरपंच जिस गांव ने बना रखे उसके साथ इतनी वोट भी होंगी उससे ज्यादा जो सरपंच बने हैं, बगैर वोटा सरपंच नहीं बने रहे। सरपंचों ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर सरकार ने उनकी मांगे नहीं मानी तो किसी भी पार्टी के नेता को गांव में घुसने नहीं दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर सरकार ने उनकी मांगे नहीं मानी तो जनप्रतिनिधियों का प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा और आने वाले समय में सोनीपत के साथ साथ अन्य जिलों में भी धरना स्थल पर ग्रामीणों की संख्या बढ़ाई जाएगी। सोनीपत से सनी मलिक, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।